हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएफ में जो वैकेंसी आपकी जारी की गई है एचसीएम एंड एएसआई के लिए, जो कि आपके सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स मीन सीएपीएफ में और आपके फ्रेंड्स यहां पर आसाम राइफल्स एग्जाम 2024 में आपकी जारी की गई है। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई करेंगे, तो फ्रेंड्स अप्लाई करने से पहले इस वीडियो को ध्यान से जरूर देख लें, क्योंकि आपको अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपको एडिट का जो चांस है वो नहीं मिलेगा। 8 जुलाई 2024 तक ही आप इसमें आवेदन ऑनलाइन कर पाएंगे। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स, जो ये लिंक है इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है जो आपको चेक करनी है, क्योंकि सीएपीएफ एचसीएम के लिए है, वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। ऑफिशियल पोर्टल है बीएसएफ का। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपको डायरेक्टली लॉगिन कर लेना है। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्टर हेयर पर आप क्लिक करेंगे, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपको यहां पर एंटर करनी है। इसके बाद जनरेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है, एक ओटीपी आपके पास आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन आपका ओपन होगा वो होगा, इसमें आपके आधार कार्ड को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, आधार कार्ड का नंबर आपको देना है, कोई भी आईडी टाइप आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं और उस आईडी टाइप का नंबर आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ एंड ईयर, वो आपको यहां से सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद नेशनलिटी है, फादर नेम है, मदर नेम है, आपका कोई भी कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बन का निशान है आपके चेहरे हाथ पैर पर जो कि परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क हो तो आप दीजिए, नहीं तो आप नो मार्क की एंट्री करेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद मैरिटल स्टेटस आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। आपके पास अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आप यहां पर यस करेंगे, किस स्टेट से ये इशू हुआ है और डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो जानकारी आपको देनी है। मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी जानकारी फिल की हुई है ये सिर्फ डेमो के तौर पर है, सैंपल के तौर पर है, आपको आपकी एक्चुअल जानकारी यहाँ पर देनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स रिलीजन आपको सेलेक्ट करना है, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, कैटेगरी का सर्टिफिकेट नंबर देना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू करने वाला स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, किसने ये इशू किया है वो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे, सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है और फ्रेंड्स मोड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है। अगर आप डायरेक्ट एंट्री से आवेदन कर रहे हैं तो डीई सेलेक्ट कीजिए, एक्स सर्विसमैन के तौर पर या अदर देन बीएसएफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आप हैं या फ्रेंड्स बीएसएफ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। पीएच कैंडिडेट के लिए यहां पर नो रहेगा, एक्स सर्विसमैन है या फिर इनसे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो आप पर नो रहेगा, क्योंकि आपने डायरेक्ट एंट्री यहां पर सेलेक्ट किया है। अगर आप एक्स सर्विसमैन सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर आपका यस ऑप्शन आ जाएगा। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी जानकारी आपकी अवेलेबल है वो आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट यहां से कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन एड्रेस का है, तो पूरा एड्रेस आपका, पिन कोड क्या है, कौन से स्टेट में आपका एड्रेस है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, विलेज कौन सा है, पुलिस स्टेशन कौन सा है, पोस्ट ऑफिस या तहसील कौन सी है, ये है आपका परमानेंट एड्रेस। और नीचे है कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है आपके प्रेजेंट का एड्रेस, तो अगर ये सेम है तो आप सेम उस पर क्लिक कीजिए, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे और सेव एंड नेस्ट कर देंगे। आपके पास एनसीसी का कोई प्रमाण पत्र है या आपके पास कोई स्पोर्ट्स अचीवमेंट है तो वो जानकारी आप दे सकते हैं। आपका हाइट क्या है, चेस्ट क्या है और वेट क्या है, ये आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स कोई भी क्रिमिनल केस या फ्रेंड्स कम्युनल या गुजरात दंगों के अगर आप अफेक्टेड हैं या आपका इस टाइम के दौरान जम्मू एंड कश्मीर के आप निवासी थे तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद आएगा क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में देखिए सबसे पहले आप एसएससी सेलेक्ट करेंगे, सर्टिफिकेट नंबर देंगे आपके 10th का, पासिंग ईयर आप देंगे, किस स्टेट से आपने पास किया है और कौन सा बोर्ड या यूनिवर्सिटी है वो आपको देना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स एसएससी के बाद आपको 10+2 की जानकारी देनी है, तो 10+2 का सर्टिफिकेट नंबर क्या है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, किस स्टेट से आपने इसको पास किया है और बोर्ड या यूनिवर्सिटी क्या है, ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। तो ये फ्रेंड्स बेसिक जानकारी रहेगी आपकी क्वालिफिकेशन की जो कि आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एसएससी, आईटीआई, 10+2 कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास है तो अपने अकॉर्डिंग आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उनकी आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन की एंट्री करने के बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। इसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यस कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे, डाटा को सेव करेंगे और के बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद है फोटोग्राफ अपलोड, सिग्नेचर अपलोड, तो यहां पर ये जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। फोटो का साइज है 30 से 100 केबी, सिग्नेचर का है 20 से 50 केबी। क्वालिफिकेशन कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो 30 से 100 केबी में आपको अपलोड करना होगा। अब यहां पर 10th का सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे, 10+2 का भी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट है तो आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहां पर अपलोड करना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आपने आईटीआई या कोई भी अदर सर्टिफिकेट की जानकारी प्रोवाइड की है तो वो आपको जानकारी
यहाँ पर देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर डाटा को डिक्लेयर करना है और सेव एंड नेस्ट कर देना है। आपका देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको फ्रेंड्स ASI के लिए और आपके फ्रेंड्स HCM के लिए जो फ्रेंड्स सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है CAPF और आसाम राइफल, इसमें फ्रेंड्स वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। इसके लिए आपको अप्लाई हेयर का ऑप्शन मिलेगा। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स पोस्ट सिलेक्शन का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी होगी। या तो आप फ्रेंड्स HCM के लिए अप्लाई करेंगे या आप ASI के लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलेंगे ASI के लिए कि 10+2 पास आउट आप है या नहीं है, और ऐसे ही हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में भी आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप फ्रेंड्स यहाँ पर जो है 10+2 पास आउट है या नहीं है। तो आपको यहाँ पर यस ही करना होगा क्योंकि 12वीं पास कैंडिडेट इसमें आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके बाद फिजिकल कैटेगरी है, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने तीन ऑप्शन है। पहला है कैंडिडेट जो इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप इन कैटेगरी से आते हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप ST कैंडिडेट हैं, ST का जो कैटेगरी है उससे बिलोंग करते हैं, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप जनरल हैं, OBC हैं, EWS हैं या SC कैंडिडेट हैं या इन दोनों कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, तो आप अदर कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको हाइट देनी है, आपका चेस्ट है, आपका वेट है, ये आपको देना होगा और ये ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के अकॉर्डिंग। इसके बाद आता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सैंपल के तौर पर मैंने यहाँ पर अपलोड किया हुआ है। यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट है ये कौन सा है, ये है फ्रेंड्स जो भी क्वालिफिकेशन आपने यहाँ पर यस किया है। अब हमने यहाँ पर यस किया है 10+2 इंटरमीडिएट के लिए, तो आपको यहाँ पर उसका ही सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। और ये फ्रेंड्स JPG फॉर्मेट में 100 KB से कम साइज में आप यहाँ पर इसे अपलोड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है फोर्स प्रेफरेंस का। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो आपके BSF में, CRPF में, CISF में, ITBP में और SSB में जारी की गई है। तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देनी है कि आप इनमें से किसके लिए सबसे पहले प्रेफरेंस यहाँ पर देना चाहते हैं। तो मैंने क्योंकि यहाँ पर प्रेफरेंस ऑलरेडी दे दी है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग जो भी आप ऊपर नीचे पहले नंबर पर सेकेंड नंबर पर जो भी प्रेफरेंस आप यहाँ पोस्टिंग के लिए देना चाहें, जैसे भी देना चाहें, वैसे आप यहाँ पर जो प्रेफरेंस है वो आप अपनी दे सकते हैं। प्रेफरेंस देने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको प्लेस का नाम देना है। प्लेस का नाम जहां से आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं, अगर आप विलेज से कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट से कर रहे हैं, जो भी आपका टाउन है उसका नाम आप दे सकते हैं। सेंटर प्रेफरेंस के देखिए आपको लिस्ट मिल जाती है, आपके अकॉर्डिंग जो भी सेंटर प्रेफरेंस आप लेना चाहें वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। जो फीस आपकी लगने वाली है वो आपको शो करती है। अगर आप जनरल OBC या EWS कैंडिडेट है तो 100+ आपको यहाँ पे करने होंगे, मतलब ₹147.20 आपको यहाँ पर फीस पे करनी होगी। बाकी अदर कैंडिडेट के लिए जो है वो ₹47.20 फीस आपकी यहाँ पर लगती है। इसके बाद आप यहाँ से डाटा को डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने के बाद पे नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए जो फ्रेंड्स आपका बिल डेस्क है ये ओपन हो जाएगा। मल्टीपल ऑप्शन है, जैसे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है तो आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को आप फिल कर सकते हैं। डेबिट कार्ड का ऑप्शन है तो कार्ड की डिटेल्स को फिल कीजिए। नेट बैंकिंग यूजर है तो आप नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर सकते हैं इनमें से किसी भी बैंक की। और अगर आप वॉलेट से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप वॉलेट से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मल्टीपल ऑप्शन है, आप इनमें से जिस भी ऑप्शन का यूज करना चाहें उसके थ्रू आप अपना मेक पेमेंट यहाँ से कर पाएंगे। पेमेंट कम्प्लीट करने के बाद फ्रेंड्स आपकी जो प्रोसेस है वो कम्प्लीट हो जाएगी और आप अपना फाइनल प्रिंटआउट जो है डाउनलोड करके अपने पास रख पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स कोशिश की है आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करने की।